गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स वेलकम टू एग्जामपुर हम है कलम से क्रांति मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप लोगों की आसान होता है ठीक है तो चलिए फिर अपने पंचामृत की तरफ चलते हैं सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि एथडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डैश यानी कि आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा है कि कोई भी एक मिट्टी है और उस मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है तो यहाँ पे एक सिंपल बात समझिएगा कि किसी भी चीज की अम्लीयता जो होती है वो किसके माध्यम से शो करी जाती है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस हैं ठीक है उसके थ्रू शो करी जाती है तो अगर अम्लीयता हमें H प्लस आयन से ही पता चल रही है तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो अम्लीय है तो आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है मिट्टी की अम्लीयता जो होती है वह आप H प्लस आयन से जान सकते हैं ठीक है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से कहता है द रेंज ऑफ डैश फोर्सेज ऑफ द ऑर्डर टेन की पा माइनस मीटर दस की घात माइनस सोलह मीटर कोटे का होता है तो अगर हम आपकी बात करें जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी तक लगता है लेकिन कुछ बल ऐसे होते जो होते तो बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन स्ट्रोंग होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं एप्लीकेबल हो सकते उसी का एक उदाहरण है कि जो आपका दस की घात माइनस मीटर तक लग रहा है वो आपका होता है वीक

ये जो साइंटिस्ट हैं इनको क्या दिया गया था यह पुरस्कार दिया गया था जो पहले अवॉर्डी थे वो थे के एस कृष्णन जी जिन्होंने क्या किया था सीवी रमन इफेक्ट कि स्कैटरिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य किया था अगला सवाल आप लोगों से कहता है डैश एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो यानी कि यहाँ पे एक ऐसे वातावरण की बात की गई है जिसमें ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल होता है मानव जनित अवायवीय एरोबिक या फिर अम्लीकरण देखिए सिंपल सी चीज हो जाती है जहां पे भी वायु आपकी काफी ज्यादा मौजूद होती है हम उसको वायवीय कहते हैं उसको हम वायवीय वातावरण कहते हैं या फिर एरोबिक कहते हैं आप लोगों ने वायवीय श्वसन सुना होगा यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन सुना होगा जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है जो ग्लूकोज है सी सिक्स एस ट्वेल्व वो सिक्स है वो टूट जाता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ठीक है वो हमारा अरेबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं आज का अपना अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज के अंदर सुना होगा सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि जो छोटे बच्चे हैं ना एक से चार महीने की वो सोते सोते उनको जो है सांस लेने में तकलीफ होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप लोगों को यह बताना है कि यह जो मृत्यु है यह है कौन सी मृत्यु के नाम से जानी जाती है यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के शरीर के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम है <coughs> ब्यूट्री, कोलीन ये कम हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है इसके लिए सलाह दी जाती है कि जो माता होती है उसको जब वो गर्भवती है उस टाइम पे उसको स्मोकिंग आदि कम करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए और बच्चे के पैदा होने के बाद भी जो है किसी को भी उसके आसपास स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके इससे उसके चेस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ता है साथ साथ बच्चे को जो है ना उसके पीठ के बल सुलाइए ताकि उसके जो फेफड़े हैं वो ज्यादा है, बेहतर तरीके से कार्य कर सके तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें बच्चे की पालने में मृत्यु काफी ज्यादा हुई अभी जो पश्चिमी देश है उनमें तो इसी वजह से इसको कॉट डेथ के नाम से जाना जाता है ठीक है कॉट डेथ कॉट मतलब खाट होता है तो खाट के ऊपर ही मृत्यु हो रही है यानी कि पालने में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम से जाना जाता है आपको ऐसे ही और प्रश्न मिलेंगे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ सुबह ग्यारह बजे एस एस सी एग्जाम्स एग्जाम को यूट्यूब चैनल पे तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देंगे कोई सवाल हो कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, में मेंशन कर सकते हैं तो चलिए फिर दिस इज पूर्णिमा गॉड साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय बाई